तो इस सप्ताह के जो संदेश हैं उनको मैसेजेस हैं उनको शुरू करते हैं और शुरुआत से शुरू करते हैं। ये पूरा ही वीडियो मैं हिंदी में करने वाली हूँ, तो जरूर सुने और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेरा नाम अनुराधा है और इस सप्ताह मैं टैरो कार्ड से नहीं बल्कि अखबार की कतरन और किसी भी दो वेबसाइट से इस सप्ताह का मार्गदर्शन कैसे करें, अपने लिए कैसे हम मार्गदर्शन अपना कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो अंत तक जरूर सुने फिर से। तो हमें कभी कभी लगता है कि हम सब अकेले हो गए हैं और कैसे अपने आप को अपना ही मार्गदर्शन करें। तो लेकिन हम एक किसी पूरे यूनिवर्स के एक पार्ट है, ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, और अगर उसको डीपली हम एनालाइज करें तो पता चलेगा कि कोई भी हमारे सामने कोई चीज आती है या कोई होर्डिंग आती है या कोई न्यूज़पेपर आता है, आप अखबार उठाते हैं, पत्रिका उठाते हैं, और या कोई मतलब आप नोवेल पढ़ रहे हैं, तो वो आपके सामने यूं ही तो नहीं आ गई है। तो कोई चीज उसको आकर्षित करके आपके सामने लाई है, या आप कहीं से जा रहे हैं और दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक जो वाक्य ऐसे बोलते हैं जो कि आपको बिल्कुल आपके कान खड़े हो जाते हैं, तो वो क्या वाक्य आपके लिए एक मार्गदर्शन हो सकता है? मैं कहती हूँ हाँ। और इसी तरह से हम टैरो से भी अपना मार्गदर्शन अपने लिए कर सकते हैं, स्वयं ही कर सकते हैं। तो सबसे पहला कार्ड जो है वो एक मैंने अखबार आज का उठाया, और आप टाइम्स ऑफ इंडिया में देखेंगे तो एक जो फार्मर मतलब एक किसान है उसे अपने पन्ना जगह में मध्य प्रदेश में उसे 60 लाख करीबन का एक मतलब एक डायमंड या हीरा प्राप्त हुआ है। और अगर आप देखेंगे उस न्यूज में वो पूरी अगर पूरा समाचार पढ़ेंगे तो वो जो किसान है वो ये कह रहा है कि मुझे तो ये मिल गया है लेकिन मैं अपना खेत फिर भी और खोदूंगा और लगा रहूंगा। तो पहला संदेश तो मुझे इसमें से ही मिला कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, मतलब जनवरी से लेकर या हम लोग 3-4 साल से कोई काम कर रहे हैं या 20 साल से काम कर रहे हैं, तो जो भी है उसमें अगर हमारी प्रगति भी हुई है या हमें कुछ यश भी मिला है तो हम आगे मतलब प्रोग्रेस होती रहेगी और हम उस पे बने रहे, तो चलते रहें चलते रहें। ये एक पहला संदेश हो गया। अब दूसरा कार्ड जो है एक ऑनलाइन वेबसाइट से मैंने लिया है और उसमें ये कार्ड आपके सामने आ गया होगा। तो उसमें ये लिखा है कि प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, यानी कि हमारी जो भी हम कर रहे हैं या हम जो भी करना चाहते हैं उसमें एक कोई बढ़ाव या कोई गति मिलने वाली है, एक कोई स्पीड आने वाली है। और इसका प्रमुख मुझे जो लाइन लगा इसका वो ये है कि हम उस चीज को पहले अपने मतलब मस्तिष्क में, हृदय में या अपने मतलब कैसे भी हार्ट में उस चीज को फील करें, कैसे वो अबंडेंस लगेगा। अगर मैं ये प्रोजेक्ट अगर ये चीज हो जाती है, माना कि मेरी बहन की शादी हो जाती है या मेरे भाई की तरक्की हो जाती है या मेरा मेरी नौकरी लग जाती है, तो मुझे कैसे फील होगा? इस चीज को पहले हम अपने आप ही महसूस करें, फील दी अबंडेंस इन और इनविजन दी अबंडेंस। ये इसका प्रमुख मुझे एक संदेश लगा। और तीसरा ये प्रश्नावली से लिया है, आप लोग तो जानते ही कि रामचरितमानस की अगर आपके पास बुक हो तो ये प्रश्नावली वहां पर रहती है, आप वो एक जगह पे अपनी उंगली रख के वो दोहा पढ़ते हैं। तो जो दोहा हमारे सामने आया है इस वक्त जब मैं ये रीडिंग कर रही थी तो वो दोहा बिल्कुल आपके सामने आ गया है। और उसमें ये ही लिखा है कि भाई अपना मतलब राम जी यही बोल रहे हैं कि अपना मतलब एक प्रार्थना करके हम आगे बढ़े। तो तीनों ही जो मिले हैं मतलब तीनों ही जो संदेश हैं या मार्गदर्शन है स्वयं के लिए वो बहुत ही अच्छे हैं। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपका सप्ताह बहुत अच्छा रहे, मंगलमय रहे, और आप इसी तरह अपने आप अपने लिए स्वयं के लिए मार्गदर्शन करने में आप मतलब आप भी आगे बढ़ सकते हैं। ये वाला जो बीच वाला जो कार्ड है उसको आप बार बार देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वहां पर किस तरह से वो संदेश दिया गया है। उस पिक्चर को, उस छवि को आप देखेंगे कि कुछ लोगों की सहायता से वो पेड़ जैसे फल दे रहा है, तो वो भी एक प्रमुख मतलब संदेश बन सकता है आपके लिए। तो फिर से धन्यवाद। मैं अनुराधा जोशी, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और धन्यवाद, थैंक यू।